हाँ जी क्लास, सो वेलकम यू ऑल इन फोर्थ लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स क्लास 12। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक तो रिलेशन प्रूव किया था कॉन्वेक्स मिरर के लिए बिटवीन आर एंड एफ, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको केसेस बताए थे कि लाइट अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी, फोकस पर आ रही है तो पैरेलल जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही है तो एज इट इज़ बैक रिट्रेस हो जाती है, और अगर एंगल आई से आ रही है तो एंगल आर से रिटर्न हो जाएगी। और उसके बाद मैंने मिरर फॉर्मूला बताया था आपको, मिरर फॉर्मूला था हमारा 1/v + 1/v = 1/f, ये हमारा मिरर फॉर्मूला था। तो मैं कॉनकेव के केस के लिए आपको ये प्रूव कर देता हूँ अभी। और एक और चीज़ जो हमने डिस्कस की थी वो ये इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। उसमें मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट नज़दीकियाँ बढ़ाता है, ऑब्जेक्ट मिरर के नज़दीक आता है, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो मिरर से दूर चली जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, देखो जैसे चलो मैं बता देता हूँ कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो आपकी इमेज कहाँ बनती थी, फोकस पर। अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, ठीक है ना, सी से पीछे है, तो अब आपकी कहाँ बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी इमेज बनेगी। और अगर ऑन सी है तो ये भी इमेज भी कहाँ बनेगी, ऑन सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, ठीक है ना। अब अगर बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ है, ठीक है ना, तो ये अब कहाँ चला जाएगा, बियॉन्ड सी चला जाएगा, ठीक है जी। अब अगर ये ऑन एफ है तो ये कहाँ आ जाता है, इनफिनिटी पर इमेज बनती है। और अगर आप बिटवीन P एंड F की बात करते हैं तो आपको इमेज मिलती है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज मिलती है आपको। ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 केसेस थे इमेज फॉर्मेशन की कॉन्केव मिरर के लिए, ठीक है ना। तो ये आप पहले 10th क्लास में कर चुके हैं, तो मैं ये डायग्राम तो नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा डिटेल में, आप कर सकते हैं, रिवाइज कर लेना। और फिर भी अगर आपको ये नहीं समझ आए तो मैं से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सा केस है, मैग्निफिकेशन में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका मैग्निफिकेशन जो है वो -1 होता है। -1 क्यों, अभी बताऊंगा मैं, जब ये मैग्निफिकेशन समझाऊंगा तो आपको फिर से डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब आगे डिस्कस करते हैं हम, एक मिनट, हाँ जी मैं लिया है ना ये थोड़ा सा इसलिए फ्रेश है। चलिए देखिए, तो मिरर फॉर्मूले के लिए ये हमारे पास हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, यहाँ पर फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं डायग्राम ले लेता हूँ, केस ले लेता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा रखा है बियॉन्ड सी, ठीक है जी। तो ये लाइन भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये आपकी फोकस से रिटर्न हो गई, रिफ्लेक्टेड लाइन हो गई, ठीक है। और दूसरी आप ले लो कि ये एंगल आई से जा रही है और एंगल आर से ये रिटर्न हो जाएगी, ये आपका एंगल आर हो गया, ये आई हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर मिली जाएगी दोनों लाइटें, तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ये हो गया हमारा ए डैश बी डैश, ये हो गया हमारा ए बी, ये पोल हो गया, इस पॉइंट को मैं एम ले लेता हूँ और यहाँ एम से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे एन, कैलकुलेशन में भी काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल, दो पेयर लेने हैं हमने ट्रायंगल के, दोनों को इक्विवेलेंट प्रूव करना है और उससे मेरा फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखो तो एक ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं ए डैश बी डैश पी और दूसरे ले लेता हूँ ए बी पी, ये दो ट्रायंगल का पेयर हमने ले लिया। देखो एक ये वाला ए बी पी और एक ये वाला ए डैश बी डैश पी, ये दोनों में बोलूंगा कॉन्फिडेंस है, यानी एक ये देखो ये दो एंगल सेम है दोनों में, आई और आर बराबर होता है और एक एंगल दोनों में 90 डिग्री का है, ठीक है। तो बस इसको कर लेते हैं, देखिए दोनों के स्लोप को हमें कंपेयर करना है, स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो दोनों के परपेंडिकुलर ले लेते हैं पहले,
इसी तरह से दोनों के बेस को कंपेयर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी डैश पी और ये हो जाएगा आपका डी पी, ठीक है ना। आप चाहो तो अगर ऐसा लिख, अगर लिखते आप वही, मान लो आप पहले ऐसे लिखते तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यही रिजल्ट आता, ठीक है। देखो अगर मैं स्लोप निकालता हूँ दोनों, तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ भी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। उसका परपेंडिकुलर कितना है, ए डैश बी डैश, और बेस कितना है इसका, बी डैश बी, ठीक है ना। और इसी तरह से यहाँ पर कितना है भाई, ए बी परपेंडिकुलर, और बेस कितना है बी बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी डैश पी बाई बी पी। तो वही चीज आ गई, ठीक है। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर वन। इसी तरह से अब एक और ट्रायंगल ले लो आप, यहाँ पर ये वाली ए डैश बी डैश पी, और एक ये ले लो ये एम एन एफ, सॉरी ए डैश बी डैश एफ और एम एन एफ, ये दोनों एंगल सेम होंगे यहाँ पर। ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये भी कॉन्ग्रुएंस होगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल लिया हमने ए डैश बी डैश एफ, और ट्रायंगल लिए कौन सी एम एन एफ, ये एम एन और ये एफ, ठीक है। तो फिर से वही दोनों का स्लोप कंपेयर किया, ए डैश बी डैश बाई एम एन, ठीक है जी। और इसी को लेकर दोनों के परपेंडिकुलर कंपेयर हो गए, दोनों के बेस, इसका बेस कितना है बी डैश एफ, और इसका बेस कितना है एफ एन बी, ठीक है। अब एक एजम्पशन लेंगे क्या, कि एन और पी एक दूसरे के नजदीक है, क्या एज्यूम करेंगे, एज्यूम एन एंड पी लाइज क्लोज टू ईच, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, एम पी और एम एन लगभग क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई ज्यादा सा गैप नहीं है। तो बस रिप्लेस कर दो इस इक्वेशन को, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश बाई एम एन, एम एन की जगह क्या लिख देंगे हम एम पी। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, एम पी जो हाइट है ये ए बी हाइट के बराबर है, तो यही मैं स्लैश में डाल देता हूँ ए बी। इसी तरीके से बी डैश एफ, चलो ये तो एज इट इज रहेगा आपका, एफ एन, एफ एन को किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा, एफ पी से रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन टू। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या है, सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी डैश पी बाई बी पी इज इक्वल टू बी डैश एफ बाई एफ पी, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज निकाल लो और पुट कर दो, तो बी डैश पी, बी डैश पी ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है, इधर। डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी होती है, पोल से, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वी, ठीक है। बाय बी पी, बी पी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी कैसा होगा, माइनस का होगा, ठीक है। अच्छा बी डैश एफ, तो ये बी डैश एफ है, ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है हमारा बी डैश एफ, ये चाहिए हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए करेंगे ऐसा कि इस टोटल लेंथ में से ये माइनस कर देंगे, ये वाला माइनस कर देंगे, तो उससे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये टोटल हमें पता है कितना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये कितना है फोकल लेंथ, कर दो सॉल्व इसको, तो ये टोटल कितना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी कि माइनस वी, ठीक है। ये कितना है फोकल लेंथ, माइनस माइनस ऑफ एफ, ये दो बार माइनस क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना था इसलिए माइनस, और दूसरा माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, और भी छोड़ो अपोजिट डायरेक्शन छोड़ो, ये देखो ना ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, इस तरह से आप इसको ले लो, समझ लो, ठीक है। अच्छा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एफ पी, एफ पी फोकल लेंथ माइनस एफ, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अच्छा ये माइनस माइनस ऑलरेडी क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है, फिर ये क्या माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा माइनस यू एफ, ठीक है। अब क्या करो, दोनों तरफ यू वी एफ से डिवाइड कर दो, यू वी एफ से
डिवाइड कर दो, तो ये वी एफ से वी एफ कैंसिल हो गया, यू वी से यू वी कैंसिल हो गया, और यू एफ से यू एफ कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ माइनस वन बाई वी। इस वी को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा ये, वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। इस तरीके से आपका ये मिरर फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। एक बार नोट करो इसे, कोई डाउट है तो एक बार नोट करो पहले आप। हाँ जी बेटा, कर लिया नोट। चलो देखो, तो अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बताता हूं इसके साथ साथ, वो है आपका मैग्निफिकेशन। तो ये तो हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसी में मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ठीक है ना, पहले मैं समझाता हूँ मैग्निफिकेशन है क्या। ठीक है ना, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, मैग्निफिकेशन एक रेशियो है जो कि आउटपुट बाय इनपुट बताती है। ठीक है ना, क्या बताती है, आउटपुट बाय इनपुट। अब आप कहोगे सर यहाँ पे कौन सी आउटपुट इनपुट आ गई, ठीक है ना, यहाँ पर आउटपुट है जो इमेज हमें मिल रही है और जो इनपुट है जो ऑब्जेक्ट हमने यूज किया है। ठीक है ना, तो उसकी रेशियो मैग्निफिकेशन क्या क्या बताता है पहले मैं ये समझा रहा हूँ। ठीक है ना, फिर इसका फॉर्मूला बताऊंगा, उसका प्रूव भी करेंगे और सब डिटेल में डिस्कस होगा। तो देखो मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है कि इमेज एनलार्ज्ड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, रियल है, डिमिनिश्ड है, इस तरह की प्रॉपर्टी, या सेम हाइट का है, इस तरह की बातें हमें कहाँ से पता लगती हैं, मैग्निफिकेशन से पता लगती हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वी बाई यू, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो एच आई यानी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला तो आप यहीं से प्रूव कर सकते हो। देखो ए डैश बी डैश बाय ए बी, ए डैश बी डैश क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस इक्वेशन को, ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है ना, और ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो इमेज कहाँ बनी है, यहाँ नीचे बनी है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये नेगेटिव होगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ था, अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस था, तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इज इक्वल टू क्या है, बी डैश बी बाय बी पी, और बी डैश बी बाय बी पी क्या लिखा था हमने, ये लिखा था बी डैश बी माइनस बी बाय माइनस यू, तो लिख देते हैं माइनस बी बाय माइनस यू। तो ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा, ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, माइनस वी बाई यू। यहाँ पर भी तीन नेगेटिव हैं, इसका मतलब दो तो तीन नेगेटिव है और आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड में है बेटा, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में आएगा, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है ना, तो एच ये वाला नेगेटिव आंसर हो गया, यहाँ से वहाँ चला गया, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वी बाई यू। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रूफ मैग्निफिकेशन का। इसके बाद एक दो बातें और बताता हूं इसमें, एक बार नोट करो इसे। चलो मैं इरेज कर रहा हूं इसे, देखिए कोई नहीं, मैं फटाफट से बता देता हूँ, वैसे 15 मिनट हो गए हैं लेक्चर के भी, फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो अपलोड होने में दिक्कत होती है थोड़ी सी। देखो मैग्निफिकेशन क्या है, आउटपुट बाय इनपुट है, ठीक है ना, फॉर्मूला मैंने बताया आपको माइनस वी बाई यू मिरर के लिए, ध्यान रखना मिरर के लिए फॉर्मूला है, आगे जब लेंस डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। देखो एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है ना, या फिर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोल देते हैं। ठीक है ना, लीनियर मैग्निफिकेशन, और एक और नाम है इसका, वो है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक है ना, ये भी नाम इसका मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। ठीक है ना,
मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा तो अब देखो इसका अभी एक और फॉर्म, दो फॉर्मूले और बन जाते हैं, एक तो बनाइए वी और यू की फॉर्म में, एक बनेगा यू और एफ की फॉर्म में, एक बनेगा बी और एफ की फॉर्म में। तो देखो कैसे, हमारे पास ये मिरर फॉर्मूला है, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है ना। इसको मैंने v से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो ये क्या बनेगा बेटा, 1 + v/u = b/f। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या बनेगा, 1 - v/f = -v/u। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया मैग्नीफिकेशन का। इसी तरीके से 1/v + 1/u = 1/f, और इसको मैं u से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा u/v + u/u = u/f। तो ये बनेगा आपका ये था हमारा u/v + 1 = u/f, ऐसा था। अब देखो हमें चाहिए क्या, -v/u चाहिए ना, तो पहले इसका एलसीएम ले लो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो इसको वन को उधर ले जाता हूँ, देखो u/v = u/f - 1, ऐसा है। तो ये हो जाएगा एलसीएम एफ, ये बना u - f बेटा, ये बना u - f/f = u/v, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा v/u = f/u - f। अब भी प्रॉपर आंसर नहीं आया क्योंकि हमारा क्या था, -v/u था, तो इसको माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या चेंज आ जाएगा, f/f - u, ठीक है। तो ये आपका आंसर, देखो तीन के कितने होंगे, f/f - u या 1 - v/f। तो ये हमारे पास फॉर्मूले आ गए अलग अलग किसके लिए, मैग्नीफिकेशन के लिए। तो किसी भी फॉर्मूले से आपका सवाल बन सकता है, वो डिपेंड करेगा कि गिवन क्या है क्वेश्चन में। तो ये जो टॉपिक है मैग्नीफिकेशन वाला, इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में